चाहिए. सो इस टाइम तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं और मुझे पहले बैंक जाना है क्योंकि मुझे अपनी इस ईयर की फ़ीस सबमिट करवानी है. उसके बाद मुझे जाना है अपनी क्लास में. क्लास मेरी 9:40 पे है. बैंक 8 बजे खुलेगा. सो बस मैं बैंक जा रही हूँ और थोड़ा सा टाइम है बैंक में और क्लास में. आई होप इतने टाइम में फ़ीस सबमिट हो जाए मेरी. सो मैं चलती हूँ और देखती हूँ कि आगे मेरा पूरा दिन एंड देन पूरा वीक कैसे गुजर. सो गाइस बैंक में गई लेकिन बैंक वाले कहते हैं कि हम लोग 9:30 बजे तक अपना सिस्टम ओपन करेंगे. अभी फ़ीस सबमिट नहीं हो सकती कुआरी. और फिर वापस आना पड़ा. अभी मैं वापस रूम आ गई हूँ. अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय. क्लास से पहले चाय पीऊँगी क्योंकि वरना मैं क्लास में सो जाऊँगी अगर नहीं पी. बैंक में उन्होंने कहा था कि आप ना करें, आप लोग ये वीडियो ना बनाएं. सो वी स्टॉप्ड ओवर देयर. उसके बाद मैं आके सो गई और सो के उठ के अब मेरी दूसरी क्लास है. इस टाइम 2:30 बज रहे हैं. मैं कोई घंटा सोई हुई हूँ खाली और मैंने कुछ नहीं खाया हुआ. आई जस्ट टुक एन एप्पल विद मी कि मैं खा लूँ रास्ते में क्योंकि थोड़ी सी दूर है क्लास. इट्स ट्यूजडे एंड इट्स 4 in the morning और मैं इस टाइम पे कुकिंग कर रही हूँ. मैं भिंडी बना रही हूँ. और अब इस टाइम पे क्यों बना रही हूँ, क्योंकि कल का दिन हेक्टिक है. कल नहीं बना सकती. आज मेरा पहला वीज़ा एक्सटेंशन का काम है थोड़ा सा. उसके बाद मेरी 2 क्लासेस हैं. उसके बाद मैं 5:20 पे फ्री होंगी. बहुत हेक्टिक डे गुजरने वाला है. मेरी नींद भी नहीं पूरी और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक. बाहर बहुत ठंड हो गई है. सुबह इतनी नहीं थी तो मैं स्कूटी पे चली गई. लेकिन अब जब मैं वापस आई हूँ, फोकस नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब मैं वापस आई हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और बारिश भी हो रही थी. सो इट्स सो कोल्ड नाउ एंड आई होप बस अब आई गेस अब ठंड आ गई है. सो यस अब मैं खाऊँगी खाना. बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और चाय या कॉफ़ी मस्ट है. इट्स वेनसडे और आज मेरी एक ही क्लास है. थैंक गॉड क्लास के बाद मैं सो सकती हूँ क्योंकि मैं सारी रात सोई नहीं हूँ. और अभी मैं क्लास के लिए जा रही हूँ. तकरीबन 9 बजे का टाइम हो रहा है और बाहर बारिश हो रही है. थर्सडे स्टार्ट हो गया है. रात के भी 2 बज रहे हैं. मैंने कॉफ़ी बनाई है और ये मेरी विंटर्स की पहली कॉफ़ी है. सर्दियाँ आ रही हैं. गुड. बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं बर्दाश्त होती लेकिन सर्दी पसंद है. मैं आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि बाकी सारे सो रहे हैं फ्लोर पे. तो मैं आहिस्ता बोल रही हूँ और आई होप मेरी आवाज़ आ रही हूँ. आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द क्लास और सुबह थोड़ी ठंड हो रही थी तो मैंने जैकेट निकाली थी क्योंकि हो रही है ठंड. पता नहीं अब रहती भी है या ख़त्म हो जाएगी. आई हैव नो आइडिया. अभी मैं सोऊंगी और 3 घंटे बाद दोबारा क्लास है. सो आई हैव टू वेक अप अगेन फॉर द क्लास. इट्स फ्राइडे और मेरा आज हॉस्पिटल है. मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ. मैं निकली थी कि मैं अपनी स्कूटी पे जाऊँगी लेकिन जब मैं निकली तो स्कूटी चल नहीं रही थी. चली वो लेकिन वो साथ ही बंद हो गई. सो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ. सो मैं जल्दी 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 चल रही हूँ. मेरा सांस भी फूला हुआ है. लेकिन इस फ्राइडे सो हैप्पी फ्राइडे टू एवरीवन. जुमा मुबारक सबको. और मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी. बाय. सैटरडे और आज हम लोग ख्वार होने आए हैं क्योंकि वैसे तो सोना था लेकिन ख्वार होने आए हैं. कोई पुलिस कैंप ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ समथिंग है जिसपे आना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं था लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने कहा नहीं कंपलसरी है क्योंकि अगर वो ना कहते कि कंपलसरी है तो जो थोड़े से बच्चे आए हैं ये भी ना आते. उन्होंने कहा कंपलसरी है तो थोड़े से उठ कर आ गए और मेरे जैसे जो बहुत डरपोक लोग होते हैं अपने खुद तो आते ही साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आते हैं. नहीं नहीं जाना तो ज़रूरी है क्योंकि कंपलसरी है. कंपलसरी नहीं था लेकिन हम आए हैं. सो लेट्स सी कि यहाँ क्या क्या है और क्या होगा. हाँ क्यों आए अखबार होने लोगों का तो पता नहीं. हम पता नहीं क्यों आए. सो हम यहाँ आए हैं अखबार होने. Thank you.
ज़्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमसे नहीं हो रहा था, ज़हरा का बहुत दिल था, ज़हरा का बहुत दिल था, क्योंकि मुझे पुलिस बनना था, क्योंकि मुझे पुलिस बनना था और वहाँ गोलियाँ चल रही हैं और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। गोली अगर तुम्हें लग जाती ज़हरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ फिजा जी, फिजा कुछ कहेंगी आप? कुछ कहिए। हाय। बस बस। सो अब हम लोग वापस जा रहे हैं और इस टाइम हम लोग अपना टिश्यू का पैकेट मुझे दे दें प्लीज। कोई बात नहीं यार, मैं इतना बड़ा टिश्यू का पैकेट लेके चलती हूँ क्योंकि मुझे इतना ही फ्लू होता है। क्या लग रही है, नहीं डालूंगी। अब हम तेरा टैक्सी ढूंढो, नहीं तो वीडियो सारा काम मैं करूँ। लेकिन अब हम निकल आए हैं यार, कोई बात नहीं, खैर है, नहीं होगी अटेंडेंस इंशाल्लाह। आज सैटरडे इवनिंग और वहाँ से आके मैं सो गई थी, उसके बाद मैं उठी, मैंने खाना खाया, थोड़ी देर फ़ोन में लगी रही और उसके बाद मैंने अभी कॉफ़ी बनाई और अब मैं पढ़ने लगी हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ाई का भी जिक्र कर दूँ, मैंने बीच में कहीं पूरे हफ्ते पढ़ाई का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं रात को जागती हूँ सो मैं रात को पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। संडे और आज हम लोग आए हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने। पहले हम लोग गए थे ओपन मार्केट, ओपन मार्केट इज़ लाइक अ मंडी, तो वहाँ से हम लोगों ने सारी सब्जियाँ वगैरह चेकरा चेकरा ली। अभी हम लोगों ने लेना है ब्रेड और पिज़्ज़ा, दूध और और जो मिल जाए, और जो मिल जाए। यस यही दिखाना था। और बिस्किट यार, पिज़्ज़ा ये वाले बहुत दिनों से नहीं खाए। ये वाले लेना है तुमने? नहीं। सोच लो, सोच लो, दोबारा पूछते हैं। चलो फिर, चलो ब्रेड ले। इतनी सी चीजें, इतना बिल, एक माँ वापस की है।